हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। विंटर्स तो अब दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। तो अब हम शाम की चाय पी चुके हैं, उसके बाद मैं लगी हूँ अपनी थोड़ी सी किचन को सेट करने कि रात को डिनर में कोई दिक्कत ना हो और आराम से सारा काम हो जाए। तो थोड़ी सी जो सब्ज़ी दिन की बच गई थी वो मैंने माइक्रोवेव में रख दी, क्योंकि जैसा कि आपको पता है विंटर्स है तो सब्ज़ी इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती। तो ये मैंने तवे को रख दिया गैस के नीचे और एक बार फटाफट से ना अपनी सेल्फ को दोबारा से मैं क्लीन कर लूँगी कि जो थोड़ी बहुत चाय वगैरह गिर जाती है या जो बिस्किट वगैरह हम निकालते हैं उसको थोड़ा सा मैं सेट कर लूँ और अपनी किचन की स्लैब को अच्छे से एक बार क्लीन कर लूँ। और आज ना मुझे आफ्टरनून में इतना लेट हो गया था कि लंच के बाद ना मैंने जो मॉर्निंग के यूटेंसिल्स थे वो जोड़े नहीं थे, वो ऐसे ही रखे थे। तो मैंने सोचा पहले मैंने चाय और ये वाली स्लैब को क्लीन कर लूँ, उसके बाद मैं अपने यूटेंसिल्स भी जोड़ लूँगी। और आज ना मैं आपको दिखाऊँगी कि लोग सारे कहते हैं कि इंडियन यूटेंसिल्स डिशवॉशर में नहीं वॉश होते या उनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता। तो मैंने आपको ये तो कितनी बार दिखाया कि बहुत अच्छे साफ़ होते हैं, पर आज मैं आपको दिखाऊँगी जब मैं जोड़ूँगी ना भी बर्तन, तो आज ना मेरे यूटेंसिल्स बहुत ज़्यादा थे, डिशवॉशर भी फुल हो गया था और जो थोड़े बहुत बड़े बर्तन होते हैं ना, जैसे कि हमने आटा वाटा गूंदा उसकी परात वगैरह होती है तो वो तो हमें हाथ से ही करनी पड़ती है। तो ये थोड़े से हाथ के बर्तन थे जो मैंने वॉश करे थे। और इसके बाद ना मैं आपको दिखाऊंगी जो डिशवॉशर के बर्तन है ना वो भी हमारे हाथ जैसे ही अच्छे ही क्लीन होते हैं, सिर्फ आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें बर्तन रखने में, पर रिज़ल्ट उसका बहुत अच्छा है। विंटर्स में तो मज़ा ही आ जाता है डिशवॉशर का, क्योंकि मेड्स करती हैं बहुत ज़्यादा तंग। तो आज मैंने ये कैटल भी निकाल ली थी और उसे अभी क्लीन कर दी, तो कल से मॉर्निंग में कैटल में पानी भी गर्म हो जाएगा। तो ये भी एक इजी हो गया टास्क। तो फटाफट से ना अब मैं जोड़ रही हूँ अपने ये बर्तन और फिर आपको दिखाऊँगी कि डिशवॉशर के यूटेंसिल्स भी कैसे क्लीन होते हैं और कितने ज़्यादा उसके अंदर क्वांटिटी आ जाती है। मेरे ब्रेकफास्ट के और लंच के दोनों यूटेंसिल्स डिशवॉशर में आ गए थे, थोड़े से थे जो मैंने हाथ से करे थे। तो शाम की चाय के बाद बस मैं ये दोनों टाइम के यूटेंसिल्स इकट्ठे ही जोड़ लेती हूँ और उसके बाद जो थोड़े बहुत चाय के बर्तन होंगे या जो रात के होंगे वो फिर मैं इकट्ठे कर लूँगी या देख लूँगी जैसे मुझे सही लगेगा। तो ये फटाफट से ना मैं अपने यूटेंसिल्स जोड़ रही हूँ। तो जैसे जैसे फ्रेंड्स ये विंटर्स आ जाती है ना तो मुझे थोड़ा थोड़ा ना कोल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। तो आज मुझे ऐसा लग रहा है मैं सो के उठी ना मुझे थोड़ा सा कोल्ड ज़्यादा ही हो गया है। तो मेडिसिन अब लूँ या ना लूँ ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ना मेडिसिन सूट नहीं करती मुझे। तो मैं सोच रही हूँ कल जाऊँगी होम्योपैथिक की ही मेडिसिन लेकर आऊँगी, वरना ये ना हो ये एलोपैथिक मैंने ले ली और मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए। तो इसीलिए मैं अवॉइड कर रही हूँ मेडिसिन लेना, स्लोली स्लोली काम कर लेंगे, हो जाएगा, मे भी शायद रात को सोएंगे तो ठीक हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने डिशवॉशर खोल लिया, अब इसमें यूटेंसिल्स देखना, आप काउंट करना मैं कितने यूटेंसिल्स अपने डाउन वाले रैक में नीचे वाले रैक में निकाल रही हूँ। आप देख रहे हो ये इस टाइम 12 to 15 प्लेट्स हैं जो इसमें वॉश हुई थी। इतनी सारी प्लेट्स अगर आप हैंड से वॉश करने लग जाओगे बहुत देर लगती है। उसके बाद देखिए एक फ्राई पैन, सेकेंड पैन और फिर ये एक प्लेट डाउन प्लेट जो है। और आप देखिए अब कुकर देखिएगा, ये एक स्टील का 5 लीटर वाला कुकर और एक मेरा 3 लीटर वाला कुकर जो मैंने इसमें से निकाला है। और अभी देखिए छोटे छोटे बर्तन ना साइड में और आ जाते हैं अगर आप अच्छे से सेट करो तो। तो अब ये देखिए एक और बड़ा, कम से कम ये 3-3.5 लीटर का एक पतीला भी है। तो ऐसे ऐसे देखिए अब फर्स्ट रैक में जो ऊपर का रैक है आप देखिए यूटेंसिल्स कितने अच्छे शाइन कर रहे हैं। तो ये लोगों का ना एक मिथ है कि यूटेंसिल्स डिशवॉशर में क्लीन नहीं होते, आपके सामने रिजल्ट है, मैंने आपको दिखाया है। तो ये जो मेरा डिशवॉशर है ना ये LG का है और आप मानेंगे इसको लगाए हुए भी ना मुझे अपने घर में 5 ईयर्स हो चुके हैं और अभी भी ये बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। सिर्फ आपको थोड़ा बहुत घर पर ही मेनटेन करना है, सिर्फ इसकी क्लीन टाइम से कर लीजिए। तो ये देखिए कितना अच्छा वर्क करता है, अभी तक कोई मैंने मैकेनिक को नहीं बुलाया, कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। तो ये लोगों ने ना बहुत गंदी सोच बना रखी है यार, अच्छे से नहीं साफ़ होते डिशवॉशर में, गलत चीज़ लगा ली तुमने, हाथ से क्लीन होते हैं अच्छे। मैंने आपको दिखा रही हूँ हर तरह का यूटेंसिल डिशवॉशर में क्लीन हो जाता है,
ये मेरे चाय के कांच के उठे कप थे, ये भी क्लीन हो गए। अभी आप देख लो मेलामाइन के भी और जो दूसरे हर तरह का यूटेंसिल क्लीन हो जाए, जो आपका बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है ना यूटेंसिल, जैसे चाय का फ्राई पिन, तो वो नहीं डिशवॉशर क्लीन कर सकता, वो स्क्रबिंग नहीं कर सकता, तो वो थोड़ा सा आपको हाथ से करना पड़ता है। तो यार दो चार यूटेंसिल्स अगर हाथ से करने भी पड़ जाए तो क्या दिक्कत है, इतने सारे यूटेंसिल्स और डिशवॉशर ने कर ही दिए ना हमारे क्लीन, हमारा इतना बड़ा टास्क हो जाता है। और सबसे प्लस पॉइंट पता है मुझे क्या लगता है डिशवॉशर का, कि इसके अंदर ना यूटेंसिल्स एकदम ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि मुझे यूटेंसिल्स को सुखाना सबसे गंदा वाला टास्क लगता है। और अगर आप गीले यूटेंसिल्स किचन में अगर सेट कर देंगे अलमीरा में, तो आपको पता है क्या होता है, कॉकरोचेज आ जाते हैं और स्मेल आती है यूटेंसिल्स में। मैंने तो ये जो डिसीजन लिया था ना इतना सर्च करने के बाद, तो मैं अपने डिसीजन से सेटिस्फाइड हूँ। और मैं हमेशा हर किसी को रेकमेंड ज़रूर करती हूँ कि अगर आप अपनी किचन को नहीं बना रहे हैं, आपकी किचन बड़ी है, तो डिशवॉशर ज़रूर लगाइए, ये बहुत अच्छी चीज़ है हर एक लेडी के लिए, चाहे वो वर्किंग हो चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे मेड भी आपके घर आती हो ना, तब भी डिशवॉशर होना चाहिए, क्योंकि मेड्स आजकल बहुत ज़्यादा तंग करती है। तो ये फटाफट से मैंने अपने यूटेंसिल्स सेट कर लेती हूँ। किचन में काम अगर आप शांति से करो ना तो काम बहुत अच्छा होता है, अगर आप जितनी जल्दबाजी करोगे ना आप, तो काम उतना ही बेकार होता है और बहुत गंदे से क्लीनिंग होती है। मुझसे तो काम होता नहीं ऐसे, तो मैं करती हूँ बहुत आराम से पोलाइटली अपनी किचन का वर्क कंप्लीट, खासकर शाम को। कि आप देखिए स्पून्स भी, अब आप देखिए कितने अच्छे से क्लीन है और कितने सारे स्पून एक बार में वॉश हो जाते हैं, एकदम शाइन कर रहे हैं। तो इस तरह से मैं अपनी किचन को समेट रही हूँ। तो फ्रेंड्स मैं ना जब भी कुकर अलमीरा में रखती हूँ ना, तो कभी भी बंद नहीं करके रखती, बस ऐसे ही लेट उल्टी करके रखती हूँ कि हवा लगती रहे, और अगर एक आधी बूंद पानी की रह भी जाती तो वो सूख जाते हैं ऐसे। तो ये मेरे बड़े यूटेंसिल्स की अलमीरा है, कढ़ाई वढ़ाई सब इसी के अंदर रखती हूँ। बस यार ये अब छोटे छोटे यूटेंसिल्स रह गए हैं, इसमें हमने मैगी पास्ता ये सब कुछ खाने के लिए लिए हुए हैं। तो फटाफट से क्लीन कर ली, किचन समेट ली, अब हो जाएंगे हम फ्री। तो आप लोगों की शाम कैसे जाती है, मेरी तो किचन को ऐसे सेट करने में आज चली गई। फ्रेंड्स अगर आपको ऐसी वीडियोस मेरी अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं ऐसी वीडियोस फिर और बनाऊंगी, अपनी छोटी छोटी टिप्स जो मैं अपने घर में यूज़ करती हूँ, या जो मैंने सबसे सीखी है, या कैसे मैं अपना घर मैनेज करती हूँ, मैं आपसे शेयर करूँगी। तो अभी मैं आपको अपनी किचन की ना फाइनल लुक दिखाऊँगी, कि पूरी जब सेट हो जाती है ना किचन, लिटरली बहुत अच्छी लगती है। और ये देखिए फ्रेंड, जम्मू से आई है हमारी सुन पंजीरी, जो खाने में इतनी टेस्टी है कि बस छोड़ी नहीं जाती, बस ये पूरी ड्राई फ्रूट से भरी हुई है और ऐसा लगता है इसमें कुछ है ही नहीं, सिर्फ ड्राई फ्रूट ही है। तो ये विंटर्स में खाने को मिल जाए ना तो और क्या ही चाहिए। तो ये जम्मू से स्पेशली आई है हमारे लिए सुन पंजीरी, जो वहाँ की फेमस है, शायद से नाम नहीं मुझे, पलवाना कुछ ऐसे ही कर कर है एग्जैक्ट, मैंने अभी इस पर रीड नहीं करा, तो वो भी मैंने एक तरफ रख दी। तो आज ना मैंने अपनी थोड़ी सी किचन सेट होगी, अब कल मैं सोच रही हूँ अपनी बिटिया का रूम जो बहुत मैसअप हो रखा है, कल उसे सेट करूँ। अगर टाइम लगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं कैसे उसका रूम सेट कर रही हूँ। फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, आपको भी मज़ा आएगा, हम बातें करेंगे ऐसे ही, मैं आपसे कुछ अपनी बातें शेयर करूँगी, आप मुझे कमेंट्स करिए कुछ और टिप्स, या अपनी कुछ मुझे टिप्स शेयर करिए, कुछ बातें मेरे से शेयर करिए, क्योंकि ना हाउसवाइफ के लिए टिप्स लेना और देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब एक अच्छा सा फील आता है कि अगर आप कोई नई चीज़ सीखो किसी से, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि कुछ मैं हैक सीखूं, कुछ DIY सीखूं जो मेरे बहुत यूज़ आए। तो
तो ये देखिए फ्रेंड्स, किचन क्लीन होने के बाद कितनी अच्छी लग रही है इस टाइम। तो ये थोड़े से यूटेंसिल्स हैं जो मैंने हाथ से कर लिए, रात का खाना भी रेडी हो चुका है अब इस टाइम तक। बाय फ्रेंड्स।